हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ग्रीप डेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पहले आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सब्जेक्ट एंड यूनिवर्सिटीज वाइज नंबर ऑफ सीट्स इन आईसीआर काउंसलिंग। आप सभी को पता होगा आपके सीवीटी स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपकी आईसीआर काउंसलिंग कराई जाएगी और आईसीआर काउंसलिंग में आपको बहुत सारे कोर्सेस, टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली 3500 प्लस नंबर ऑफ कोर्सेस 11, जिसमें आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज सारे कोर्सेस इंक्लूड हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि हर एक कॉलेज में कैटेगरी वाइज प्लस सब्जेक्ट वाइज कितनी कितनी सीटें रिजर्व हैं। सबसे पहले चीज, आप मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा कि जितने भी इंडिया में एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, इन सारे कॉलेज में आईसीआर की कुछ सीटें होती हैं, अगर वो आईसीआर से एक्रेडिटेड हुआ तो। जैसे कि मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीट है तो 100 का 20%, ठीक है, आप समझ लो जितनी भी कॉलेज जिस सीट में होती है उसका 20% सीट फॉर यूजी कोर्सेस एंड 30% सीट फॉर पीजी कोर्सेस, ये आईसीआर काउंसलिंग के लिए रिजर्व रहती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे कि हर एक कॉलेज में किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले चीज आप सभी को बता दूं कि आप सभी के काउंसलिंग हेल्प गाइडलाइंस के लिए पिछले चार साल से काउंसलिंग कर रहे हैं, इसकी तरह आप सभी के लिए फिर से हमने अपना पेड काउंसलिंग लॉन्च कर दिया है, जिसमें आप सभी को पूरी कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी आईसीआर काउंसलिंग के रिगार्डिंग, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके कोर्स की प्रेफरेंस सीट, ठीक है। आप जिस भी कोर्स के लिए एलिजिबल हो अपने रैंक के बेसिस पे, वो प्रेफरेंस लिस्ट हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सपोर्ट, करियर प्रोस्पेक्टस, कॉलेज चॉइसेस, आपको हर एक कॉलेज और हर एक कोर्स की इन्फॉर्मेशन, प्लस बच्चों आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे आपको चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट हमारे थ्रू कम्प्लीटली आपके रैंक के बेसिस पे बना कर दे जाती है और आप हमेशा हमसे कॉल, चैट, सपोर्ट पे बात कर सकते हो, प्लस गाइडेंस आपको कंप्लीट मिलेगी। इस प्रोग्राम्स में आपके जितने भी एग्रीकल्चर छोटी से जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सीयूईटी के थ्रू या फिर आईसीआर के थ्रू हो रहे हैं, उनके साथ साथ आप सभी को जितने भी कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन, वो चाहे आईसीआर की हो चाहे नॉन आईसीआर की हो, ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट ही रहेगा, जो भी डायरेक्ट एडमिशन की बात कर रहा हूँ ये गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, आईसीआर भी हो सकते हैं, नॉन आईसीआर भी, ठीक है। तो वहाँ पे आप सभी को कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, जिसके लिए आपको पेमेंट करके हमारे इस काउंसलिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स मैट्रिक्स के। सबसे पहले बात करेंगे ऑनर्स एग्रीकल्चर। देखो यहाँ पे हर एक कॉलेज का नाम मेंशन है, ठीक है, ऑफिशियल है ये बच्चों, बिल्कुल ही ऑफिशियल है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। आप देखो यहाँ पे यूआर है, यूआर मतलब कि अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए, देन एससी की सीट है, देन एसटी की सीट है, देन ओबीसी की, देन ईडब्ल्यूएस की, देन टोटल सीट है। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस में सीट पीडब्ल्यूडी मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं, देन यूपीएस। अब यूपीएस क्या होता है, यूपीएस को बोलते हैं अनप्रिविलेज्ड स्टेट, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, जैसे मान लो सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, गोवा हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इन सब स्टेट के बच्चों को, इन सब टेरिटरी के बच्चों को अलग से सीट रिजर्व करके दे जाती है, 40-50 नंबर पे भी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं आनंद एग्रीकल्चर में, टोटल 54 सीट है। आचार्य एनजी रंगा में 115 सीट है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, एएयू में 31 सीट है, बीएयू सबौर में 36, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बीएचयू में टोटल 30 सीट है, ठीक है, ये सीट अलग है, जो पीडब्ल्यूडी और यूपीएस की ये अलग है, बाकी जो टोटल है ये एक्चुअल कैटेगरी की है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ओबीसी का सीट नहीं दिखा रहा है, ना तो ईडब्ल्यूएस का। आपको बता दूं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट में 27% का रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी कैटेगरी को या फिर 10% का ईडब्ल्यूएस को, ये चीजें आईसीआर में अप्लाई नहीं की जाती, आईसीआर इसको फॉलो नहीं करता है। दैट्स वाई किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में आपको सीटें देखने को नहीं मिलेंगी, एक्सेप्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मतलब कि जो सेंट्रल एग्रीकल्चर जैसे पूसा हो गया, झांसी हो गया, बीएचयू हो गया, ठीक है, इम्फॉल हो गया, इन सब कॉलेज को छोड़ के किसी भी कॉलेज में आपको ओबीसी की सीट नहीं मिलेगी। जो ओबीसी की सीट है वो आईसीआर की सीट में ही काउंट की, सॉरी, वो जनरल कैटेगरी के सीट में ही काउंट की जाती है। दैट्स मीन कि जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहता है वही कट ऑफ ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी अप्लाई किया जाता है इन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, क्योंकि सीटें उन्हीं को दी जाती है जो एक्चुअल कट ऑफ के ऊपर रहते हैं। जैसे मान लो 450 नंबर कट ऑफ बना है आनंद एग्रीकल्चर के बीएससी एजी के लिए, तो 450 नंबर अगर जनरल का है तो 450 के एवब ही ओबीसी का भी रहेगा, ऐसा नहीं कि ओबीसी का 10-20 नंबर कम हो जाए, क्यों, क्योंकि स्टेट एग्रीकल्चर में ओबीसी की सीट ही नहीं है, जो काउंसलिंग कराएंगे वो जनरल की सीट पे कराते हैं, इसीलिए ओबीसी वाले बच्चों का कटऑफ थोड़ा सा हाई चला जाता है, समझ के। चलो देखो यहाँ पे बीएचयू का सीट 8 दिखा रहा है ओबीसी का, क्यों, क्योंकि बीएचयू हमारा सेंट्रल एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनको मिलता है, बाकी सभी को नहीं मिलता है।
जैसे झांसी हो गया है ना, ये भी सेंट्रल एग्रीकल्चर सिटीज है, यहाँ भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं। ठीक है भाई, अब समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए देखो यूनिवर्सिटीज वाइज, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लेना, या फिर आप चाहो तो हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लो, वहाँ पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन बीएससी एग्रीकल्चर इज 2266, मतलब कि 2266 सीटें हैं। तो समझ सकते हो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ऑल दो आपको बता दूं कि बच्चे बहुत कम अप्लाई किए हुए हैं आईसीआर को, तो मेक श्योर ये भी हो सकता है कि जिन्होंने आईसीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है केवल वहीं आईसीआर काउंसलिंग पार्टिसिपेट करें, बट अभी तक ये क्लियर नहीं है। तो जब तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्रोचर रिलीज नहीं की जाती ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो फिलहाल में आप ये समझिए कि यूजी बीएससी एग्रीकल्चर में 2266 सीटें हैं। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में। तो देखो हॉर्टिकल्चर का भी सेम सीन है, बीएयू सबौर में 4 सीटें हैं, सीएयू इम्फॉल में 14 सीटें हैं, आरपीसीयू पूसा में 50 सीटें, वाईएस परमार में 13 सीटें, वाईएस हॉर्टिकल्चरल आंध्रा में 60 सीटें हैं, जूनागढ़ में 17 सीटें, आरएलबीसी झांसी में 30, श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना में 34, शेरे कश्मीर में 20, उसके अलावा यूएसएस बगलकोट में 109 सीटें हैं। तो भैया आपके पास ना देखो सीधी सी बात है, बहुत बड़ा चांस है एडमिशन लेने का, मिस मत करना। जितनी अच्छी रैंक लाओगे उतना अच्छा कॉलेज डिजर्व करते हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि नीचे हमारा नंबर शो कर रहा है, आप लोग फटाफट आओ यहाँ पे पेड काउंसलिंग को ज्वाइन करो। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कंप्लीट आपके हेल्प यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको क्या करना है, इस नंबर पे पेमेंट करके हमको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, या फिर इस यूपीआई आईडी पे पेमेंट करके हमको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, मैं आपको अपने पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम्स में ज्वाइन करा लूंगा। तो हॉर्टिकल्चर में टोटल 596, ठीक है 596, और एग्रीकल्चर में 2266। अब सोचो कितनी सीट है। फॉरेस्ट्री की बात कर लेते हैं, इसकी फॉरेस्ट्री की, फॉरेस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखें तो यहाँ पे 188 है। 188 में बच्चों टोटल 129 सीट जनरल की, जिसमें ओबीसी वाले भी आ जाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी आ जाएंगे, 28 सीट एसटी की, 14 सीट एसटी की, 17 सीट ओबीसी की, 6 सीट ईडब्ल्यूएस की, ऐसे करके सीटें डिवाइडेड हैं। फीसरीज की बात करते हैं, फीसरीज में टोटल यहाँ पे 153 सीटें हैं, 153। कम्युनिटी साइंस की बात करें तो कम्युनिटी में टोटल सीट्स है 203, सेरिकल्चर में टोटल सीटें 15, बीटेक एग्रीकल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट बात बीटेक एग्रीकल्चर, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि बीटेक एग्रीकल्चर में टोटल 356 सीट है, ठीक है कैटेगरी वाइज, जिसमें कि केवल पीसीएम वाले बच्चे एलिजिबल हैं। कौन एलिजिबल है? ओनली पीसीएम कैटेगरी के बच्चे एलिजिबल हैं। तो अब पीसीएम वालों के लिए ना एक बहुत बड़ा चांस है ये, क्यों? क्योंकि इसमें केवल पीसीएम के, ऑल दो आपको पता होना चाहिए कि पीसीएम के बच्चे बहुत ही कम हैं, मतलब कि मोर देन 25% तो है ही नहीं, लेस देन 25 ही हैं, बाकी मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे पीसीबी वाले हैं। तो पीसीएम जिनका 12th में है, जिन्होंने पीसीएम से एग्जाम दिया है, केवल वही बच्चे बीटेक कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। तो बीटेक उनको अच्छा खासा कम स्कोर पे भी मिल सकता है, हमने आपको सेफ स्कोर पहले बता दिया है, अगर आप उसे सेफ स्कोर के आसपास हो तो आप काउंसलिंग करा लेना। बाकी जो एससी एसटी वाले बच्चे अगर 200 से भी नंबर कम आएगा ना तो भी काउंसलिंग बैठ जाना, क्योंकि आपको सीट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मेरी बातों को आप इग्नोर मत कीजिएगा, इससे अच्छे से समझिएगा। बीटेक फूड टेक की बात कर लेता हूँ भाई, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की, जिसमें बीटेक डेयरी टेक में टोटल 112 सीटें हैं, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में टोटल 115 सीटें हैं, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 165 सीटें हैं, और फूड न्यूट्रिशन जो कि नया कोर्स पिछले साल से लॉन्च हुआ है आईसीआर में, जिसकी सीटें केवल 2 कॉलेज में एमपीयूटी उदयपुर, साथ ही साथ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टीएनयू में सीटें हैं। तो टोटल 20 सीटें, ओवरऑल अगर सीट की बात की जाए तो 4169 नाइस, ये कैटेगरी की सीटें हैं। इसके अलावा 210 पीडब्ल्यूडी की सीटें हैं, 84 यूपीएस कैटेगरी की सीट है। तो जो बच्चा पीडब्ल्यूडी का है अगर उसका नंबर सीयूटी में 100 नंबर भी आ रहा है तो काउंसलिंग बैठ जाएगा, जो बच्चा यूपीएस कैटेगरी का है अगर उसके नंबर भी 50 से 100 के बीच में आ रहे या लेस देन 100 हैं वो भी काउंसलिंग जरूर कराएंगे, बाकी जनरल वाले एबव 300 काउंसलिंग जरूर कराएंगे, ओबीसी डब्ल्यूएस में 250 के ऊपर। देखो मैं बीएससी एग्री की बात कर रहा हूँ, बाकी आप चाहो तो कम स्कोर पे भी काउंसलिंग करा सकते हो दूसरे कोर्स के लिए, बहुत सारे कोर्स हैं, हमने टोटल 11 कोर्स की बात की, 11 कोर्सेस में टोटल 4169 सीटें हैं, कितनी 4169, जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है। हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, आप लोग देखो यहाँ पे है ना, सॉरी 4189 सीट है, टोटल 4200 सीट मान के चल सकते हो, जिसमें 3000 तो केवल जनरल की है, और इस 3000 में आपके ओबीसी वाले भी आएंगे जनरल वाले के साथ, ईडब्ल्यूएस वाले भी आएंगे,
628 एससी की, 314 एसटी की, 256 रिजर्वेशन की सीट है ओबीसी की, प्लस 96 सेंट्रल में आपका ईडब्ल्यूएस का सीट है। नंबर ऑफ सीट का जो डाटा है आपको पता चल गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे फी स्ट्रक्चर की, किस कॉलेज में कितनी फी लगती है, सब कुछ डाटा कंप्लीट आपको सीवीटी के ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा एग्री अपडेट्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, जिनको भी इसकी नीड है वो इस इन्फॉर्मेशन से मिस ना हो जाए, उनके साथ ये वीडियो